गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा शब्द रचना। शब्द रचना जो है कैसे होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसका मेन शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, इसे हमें पढ़ना है। तो एक ही शब्द से नए शब्द की रचना को शब्द रचना कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, जिसमें हम कुछ शब्दांश को जोड़ देते हैं तो नए शब्दों की रचना हो जाती है। तो पढ़ते हैं इसे। सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों से ही नए शब्दों की रचना की जाती है। इसके लिए शब्दों के आगे या पीछे शब्द या शब्दांश जोड़ लिए जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर भी नए शब्दों की रचना कर ली जाती है। कहने का अर्थ है कि जब कोई शब्द हम एक शब्द लिख रहे हैं, उसके आगे या उसके बाद अगर हम कोई भी शब्दों का अंश जोड़ते हैं, दो शब्द, एक शब्द या उससे अधिक शब्द, तो क्या होता है, एक नया शब्द बन जाता है, नए शब्द की रचना होती है। उसे ही हम शब्द रचना कहते हैं। जैसे देखिए, एक ही शब्द से नए शब्द की रचना को शब्द रचना कहते हैं। अब देखिए, शब्द रचना चार प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है, तो चार प्रकार से। एक पहला है उपसर्ग लगाकर। हम उपसर्ग लगाकर नए शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय लगाकर भी हम शब्द की रचना करते हैं, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। उपसर्ग क्या है, बी विज्ञान लिखा है, बी प्लस ज्ञान, बी क्या है, उपसर्ग है। योगदान, योग क्या है, उपसर्ग है, और दान उसका मूल शब्द है। ये जो शब्द है, इसमें जब हम ये शब्दांश जोड़े हैं तो एक नए शब्द की रचना हुई है, विज्ञान, ठीक है। दान है, इसमें योग जोड़ दिए हैं तो योगदान नए शब्द की रचना हो गई है, ये नया शब्द बन गया है। जैसे देखिए यहाँ अवरोध, अव है उपसर्ग और रोध है उसका शब्द, तो अवरोध मिला के क्या हो गया है, नया शब्द बन गया है अवरोध। उप प्लस वन, वन क्या है, शब्द है, और उसमें उप लगा दिए हैं, उपसर्ग जोड़ दिए हैं, तो उपवंत बन गया है, ये नया शब्द हमारा तैयार हो गया है। ऊपर दिए गए शब्दों ज्ञान, दान, योग और वन में क्रमशः वी, योग, अव और उप शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। इनके लगने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गए हैं। देखिए, ज्ञान है और वी लगा दिए हैं तो नया शब्द बन गया है विज्ञान। इस ज्ञान में विशेष अर्थ दे दिया है तो ये नया शब्द तैयार हो गया है। अब देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है वह उपसर्ग कहलाता है। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, ये यहाँ दिया है, अति, अप, अ, अन, अनु, अव, आ, अभी, अभी। ये अर्थ है, अति का अर्थ होता है अधिक, अप का बुरा, अभाव या अधूरा, अ का अभाव, अन का अभाव, अनु का पीछे, अव का पतन, अनादर, बुरा, नीचे, आ का ओर, सीमा, अभी का ओर, पास, पूर्ण। अब ये नए शब्द बने हैं, जैसे अति, अत्यंत, अत्यधिक, अतिशय, अत्युत्तम, ये अति उपसर्ग लगाने से शब्द बने हैं। देखिए, ये सारे उपसर्ग लगाने से नए शब्दों की रचना हुई है। ये संस्कृत के उपसर्ग थे। देखिए, कुछ यहाँ भी हैं, उप, दुर, प्रति, वी, सु, कु, उत, श, अ, प्र, नि, ये क्या हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये लगाने से नए शब्दों की रचना हुई है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग है हिंदी के उपसर्ग में कुछ ऐसे हैं, जैसे अ है, अ का अर्थ होता है अभाव या नहीं, ठीक है। तो नया शब्द है, जैसे नाथ, नाथ है एक शब्द है, इसमें अ लगा दिए तो अनाथ, मतलब जिसका कोई नहीं है, किसी के अभाव में लिखा गया है। अकाल, तो अकाल अ लग गया है तो क्या हो गया, नया शब्द बन गया है, अपूर्ण, ये अपने आप में पूर्ण है और अ लग गया है तो ये पूर्णता का अभाव दिखा रहा है इसमें, तो ये क्या है, अपूर्ण है, मतलब खाली है, पूरा नहीं है, ये आधा है। अध, आधा, अधमरा, अधपका, अधकचरा,
अन निषेध या अभाव, ठीक, उन निर बिन भर कु शु पर। ये क्या है, ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं, इन्हें लगाने से इनका अर्थ ये है और इन्हें लगाने से ये नए शब्द की रचना होती है। अब आता है हमारा उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग जो हैं वो देखिए क्या हैं, बे बद कम ला ना हम गै खुश दर हर। ये क्या होता है, ये देखिए खुश माने अच्छा या श्रेष्ठ, तो खुश दिल खुश नसीब खुश किस्मत, दर माने में, दर असल दर का दर किनार, हर प्रत्येक प्रति हरदम हथघड़ी हर पल। ये नए शब्दों की रचना हुई है उपसर्ग के लगाने से और इस उपसर्ग का अर्थ ये होता है। अब चौथा है हमारा उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होने वाले अव्यय। देखिए ये अव्यय हैं, जैसे उपसर्ग है अधः अंतर पुनः सत चिर। अधः का अर्थ होता है के बीच, अंतर का अर्थ होता है भीतर, पुनः का अर्थ होता है फिर से, सत का अर्थ होता है अभाव, चिर का अर्थ होता है बहुत समय। तो देखिए अधः का अर्थ है बीच में, मतलब अधोगति अधोपतन अधोमुख। अंतर का अर्थ है बीच में भीतर, तो अंतर्यामी अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा। पुनः पुनः का अर्थ होता है फिर से, पुनर्जन्म पुनर्मिलन पुनर्विवाह। समझ में आ रहा है ना, फिर से मतलब पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म लिया हुआ, पुनर्मिलन मतलब फिर से मिलना, पुनर्विवाह मतलब फिर से विवाह, ठीक। सत का अर्थ होता है अच्छा, सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म, सत्कार माने अच्छे से उसका आदर करना, सत्संग मतलब अच्छा अच्छी संगति, ठीक है। चिर चिर माने बहुत समय, चिरायु चिरायु का मतलब क्या होता है, बहुत दीर्घ काल तक जीने वाला, चिरकाल मतलब बहुत समय से, चिरंजीवी मतलब बहुत समय तक जिंदा रहने वाला, ठीक है। अब आता है हमारा प्रत्यय, पढ़ो और समझो। मधुरता, देखिए लास्ट में जो लगेगा अंत में, शब्द के अंत में जो शब्दांश लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मधुर शब्द है और उसमें ता प्रत्यय लगा है तो नया शब्द बना है मधुरता। आनंद शब्द है, इसमें इत लगा है तो नया शब्द बना है आनंदित। गर्माहट, ये गर्म प्लस आहट, आहट शब्द लगा है, आहट शब्दांश लगा है गर्म में तो गर्माहट हो गया है। पत्र है, पत्र में कार लगा है क्या प्रत्यय, तो ये पत्रकार हो गया है। ऊपर दिए गए शब्दों मधुर आनंद गर्म और पत्र के अंत में क्रमशः ता इत आहट और का शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। इनके लगने से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय के भेद, अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो देखिए जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप मतलब जो धात में जुड़कर संज्ञा या विशेषणों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे होना, होना प्लस हार, होनहार हुआ, तो होनहार क्या है, विशेषण है किसी का, किसी बच्चे का विशेषण है क्या होना, विशेषता है होनहार होना, तो ये होनहार हो गया विशेषण, और प्रत्यय हो गया हार, और होना क्या हो गया क्रिया, ठीक है। रखवाला, ये रखवाला है, ये क्या है संज्ञा हो गया, और प्रत्यय लगा है वाला और रख हो गया क्रिया, ठीक है। कृत प्रत्यय से मिलकर बनने वाले नए शब्द, कृत प्रत्यय है देखिए आई लिख चढ़ लिखाई चढ़ाई, औना बिछ खेल बिछौना खिलौना, या घट बढ़ छल घटिया बढ़िया और छलिया, ठीक है। इसी प्रकार और भी हमारे प्रत्यय हैं, देखिए हार अंत आउ अन अनी इल वाला आवा आहट आवट ता आ दार नी आकु अक्कड़। इसके अर्थ ये हैं और इससे बनने वाले नए शब्द ये हैं, आप लोग पूरी अपनी बुक में पूरा पढ़ लेंगे।
अब आता है कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है कि कर्ता का ज्ञान कराता है और कार्य करने वाले का ज्ञान कराता है। अब दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए फूल वाला, संज्ञा है फूल और प्रत्यय है वाला, तो क्या हो गया फूल वाला। रंग इला, रंग है संज्ञा और प्रत्यय है इला, तो क्या हो गया रंगीला। रंगीला क्या हो गया विशेषण। देखिए फूल वाला संज्ञा हो गया, रंगीला हो गया विशेषण। तद्धित प्रत्यय से मिलकर बनने वाले नए शब्द, तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। देखिए एरा मामा चाचा, तो ममेरा चचेरा, ठीक है। आई ऊंचा पंडित, मतलब ऊंचाई पंडिताई। आना रोज मेहनत, तो रोजाना मेहनताना। आर सोना लोहा, सुनार लुहार। आस मीठा खट्टा, मिठास खटास। इन सुनार पुजारी, सुनारिन पुजारी। इस प्रकार और भी हमारे प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। इक इया ई इला ऊ कार गर ता दान पन त्व अथवा ता वाला हा। इसके अर्थ ये हैं और इनसे बनने वाले नए शब्द ये हैं। तो बच्चों हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ याद रखने वाली बातें पढ़ लेते हैं जो आप लोगों को लर्न करना है। शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक। शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश क्रिया के अंत में लगकर उन्हें संज्ञा या विशेषण का रूप देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर का मूल सार है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए हमने सारा एक्सरसाइज भर दिया है, आप लोगों को अपनी बुक में ऐसे ही भरना है, इसे कॉपी में नहीं नोट करना है, इसे बुक से ही आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि जो शब्द पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के बाद लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको तीन दिया गया है, धातु, प्रत्यय और उपसर्ग। तो उपसर्ग पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इन प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है? मालिन, रंगीन, बाघिन। इन दिया है, बड़ी ई की मात्रा है तो रंगीन। ये मालिन और बाघिन में छोटी ई लगा है, छोटी इन, तो रंगीन। बड़ी ई लगा है प्रत्यय तो रंगीन होगा। निरुपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? निर्मल, निरंकार, निरस्त, तो निर्मल। इसे आप सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा है मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। अनुक्रम, अनुक्रम लिखा है, मूल शब्द है क्रम और उपसर्ग है अन। फिर दिया है सुपुत्र, मूल शब्द है पुत्र, उपसर्ग है सु। इस प्रकार आप लोग ये पूरा अपना भर लेंगे। फिर हमारा तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्दों की रचना करो। अब यहाँ प्रत्यय लगाना है, सुंदर में ता लगाएंगे सुंदरता, घिस में ना लगाएंगे घिसना, लाचार में ई लगाएंगे लाचारी, पत्थर में इला लगाएंगे पथरीला, ठीक है। ऐसे आप लोग इसे भी अपनी बुक में भर लीजिए। देखिए वीडियो में देख के आप लोग अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया कीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाओ, ये तो हमने होमवर्क में दिया था लेकिन हमने भर दिया है, आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए। देखिए ये आप लोगों का। फिर है निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाओ, हमने बना दिया है, आप लोग भी अपने बुक में लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर पीडीएफ से जाएगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर पीडीएफ से करेंगे, और जो भी एक्सरसाइज हमने बताया वो बुक में भर लेंगे, ठीक है। तब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग अपना कंप्लीट कीजिए और इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद इसे लर्न कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आंसर है सब लर्न कीजिएगा, और इसे लिख के कंप्लीट अपनी कॉपी में रखिएगा, ठीक है। जब कॉपी चेक करने के लिए मांगी जाएगी तो हम सबकी कॉपी देखेंगे कि कौन कितना लिखा है और कौन क्या छोड़ा है। तो ये आज का हमारा 5 चैप्टर भी कंप्लीट होता है, आप लोग अपना 5 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।